आ गए आप लोग? जावी कहाँ है? हाँ अभी आए हैं, उसको कोई काम था, शायद बाहर गया है। ऐसा भी क्या काम था? आहिस्ता बोलो सिला, घर में हजार काम है, शादी वाला घर है। वो जानता था कि मैं घर पर हूँ, और आपने भी तो उसको बताया होगा ना? जानता है वो, और तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जान लो कि तुम उसकी मर्जी के बगैर आई हो। वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? ये तो तुम ही जानती हो सिला, हमें तो वो कुछ बताता नहीं। कोई बात होगी तो बताएगा ना। पता नहीं उसको बैठे बिठाए क्या सोची, किसकी बातों पर आकर मुझे छोड़ आया। भला ऐसे भी कोई करता है? रहना चाहती हो ना उसकी जिंदगी में? ये कैसा सवाल है? जैसा भी है जवाब दो। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, क्यों नहीं रहना चाहूंगी? तो फिर बदल लो खुद को, क्योंकि वो तो तुम्हें नहीं रखना चाहता। वो मुझे नहीं रखना चाहता, मोहब्बत करता है वो मुझसे, दीवाना है वो मेरा। वो बजिद है तुम्हें छोड़ने पर, बदल लो खुद को, अभी भी कह रही हूँ। निकल आए आप इन खुश फहमियों से कि वो मुझे नहीं रखना चाहता। मैंने उसे कहा है कि माहम और दुआ की शादी तक तो कम अज कम तुम्हें रहने दे, इसलिए नहीं कहा उसे कि तुम्हारे जावी की जिंदगी से चले जाने से माहम और दुआ की शादी नहीं होगी, बल्कि इसलिए कहा है कि तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाए उसका इरादा बदलने के लिए। महरोज ने भी समझाया उसे कि तुम्हें तलाक ना दे, शायद वो समझ जाए हमारी बात, लेकिन अगर तुम समझ जाओगी ना तो शायद हमारे समझाने से थोड़ा बेहतर हो जाएगा मामला।